नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। यहाँ पे जो है 16 तारीख के लिए क्या न्यू अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि काफ़ी यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स वो कमेंट्स कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो पे कि सर अभी भी हमारा यहाँ पर जो है पेंडिंग एप्लीकेशन बता रहा है, हम लोग को क्या करना है, टिकट हम लोग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं फिर भी यहाँ पर जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ पे दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जिन लोग का इंटरव्यू भी हो चुका है, ठीक है, उसके बाद भी उन लोग को यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो कब से वो लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर उन लोग को मिलेगा, कब ज्वाइन करेंगे, इस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आप लोगों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आवेदन किया है, अप्लाई किया है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर अभी नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब वीडियो मिस ना जाए। सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल पर मैं जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती है उसकी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप डालेंगे मुख्यमंत्री सीखो गांव योजना, फर्स्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके होम पेज पर आ जाएंगे। न्यू अपडेट यहाँ पर यह है कि दोस्तों कुल ज्वाइनिंग यहाँ पर जो है 8317 यहाँ पर हो चुकी है। पहले यहाँ पर 6000 समथिंग यहाँ पर जो है था, इसको बढ़ाकर यहाँ पर जो है 8317 कर दिया गया हुआ है। बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है अब इसमें ज्वाइनिंग बिल्कुल भी यहाँ पर रुक नहीं रही है, बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रोसेसिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप लोग का पेंडिंग बता रहे तो एक बार आपको और अच्छे से टिकट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद उसका यहाँ पर रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। तो एक बार और यहाँ पर आप ट्राई कीजिएगा और इसको यहाँ पर रोज़ आप दिन में या शाम को एक बार खोल के देखिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन जो है जो पेंडिंग बता रहा था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप काफ़ी लोग इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर जो है इसमें ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं और अभी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उन लोग को यहाँ पर 1 महीना होने वाला है, तो आप लोग का भी यहाँ पर जो है आप स्टेटस चेक कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जिन लोग का अभी भी यहाँ पर एप्लीकेशन पेंडिंग बता रहा है, मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड हम लोग इंटर कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पर लॉगिन किया तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, प्रिय अभ्यर्थी कृपया अपना आधार खाते से एप DBT सक्रिय करवाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। आधार लिंक ना होने पर, DBT सक्रिय ना होने पर स्थिति पर आपका मासिक स्टाइफंड प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है इसका ध्यान दे देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है साफ बोला जा रहा है आप लोग को कि आप लोग को यहाँ पर जो है फिर आपकी जो राशि आएगी, जो स्टाइफंड आएगा वो यहाँ पर रुक जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर मैं फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर DBT ऑन करवाना है, क्या होता है DBT, सारी चीज़ यहाँ पर बता दूंगा। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं एप्लीकेशन जो स्टेटस आपका पेंडिंग बता रहा है उस बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन आईडी यहाँ पर दी गई हुई है, 22/8/2023 को यहाँ पर आवेदन किया था, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। ऐसे कई और यहाँ पर जो है आईडीज़ आपको स्टूडेंट्स की देखने को मिल जाएगी जिसमें अभी भी यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो रही है, इसको यहाँ पर जो है क्लियर नहीं किया जा रहा है। टिकट यहाँ पर जो है कई लोग बना चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब टिकट के बारे में आपको बता दूँ किस तरीके से आपको टिकट देखना है और टिकट बनाना है। एक बार और ट्राई करिएगा आप टिकट बनाकर, फिर आपको हो सकता है यहाँ पर 3 से 4 दिन में उन लोग का मैसेज आप लोग को आ जाए। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे टिकट बनाएं, आप लोग के यहाँ पे जो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर जो ये इस तरीके से आपको सर्विस सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको आपका जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम प्रॉब्लम आ रही है, कैंडिडेट की वैकेंसीज की डिटेल्स में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर जो क्या हेल्प लेना चाहते हैं, एडवांस सर्च से दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, अदर कोई प्रॉब्लम है, वो आप सिलेक्ट करना है। रेफरेंस नंबर कहाँ से मिलेगा, ये रेफरेंस नंबर है वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर जो है विषय डालना है कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे हैं पर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। उसके बाद आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो है लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्रिएट टिकट पर क्लिक करना है, टिकट बन जाएगा, टिकट देखें पर क्लिक कर दिएगा, आपका टिकट जनरेट आ जाएगा और वहाँ ही आपको यहाँ पर जो है रिप्लाई देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टिकट आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद आपको चेक करना है, यहाँ पर पेंडिंग की जगह आप लोग को बताएगा यहाँ पे जो है आप रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर आप अप्रूव यहाँ पर जो है आप पास हो चुके हैं, ठीक है। फिर आप लोग को यहाँ पर जो इस तरीके का मैसेज देखने को मिल जाएगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे जो है आपको टिक देखने को मिल जाएगा, इसका मतलब होगा कि आपका यहाँ पर प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है आप लोग इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं और आपकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पर जो है सॉल्व इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर आप यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किन किन लोगों ने यहाँ पर जो है इस तरीके से अप्लाई किया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि काफ़ी लोग का यहाँ पर जो है पेंडिंग अब हट चुका है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से ज्वाइनिंग चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी और कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा।
1 मंथ यहाँ पर जो है काफ़ी लोग को होने वाला है, तो यहाँ पे जो है आप लोग को DBT किस तरीके से ऑन करना है और किन लोग को यहाँ पर स्टाइफंड आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर जो है बता दूंगा पूरी डिटेल पे। इसमें यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई अगर न्यू अपडेट यहाँ पर आएगी मुख्यमंत्री सेवा योजना के बारे में तो इस पर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।